बात क्या है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर और मिलना इतनी छोटी एज में बहुत बड़ी बात है, और ये एक्सपोजर इनको आगे जाके बड़ा बनाने के लिए बड़ा काम करेगा। और 50-50 ओवर के एज बिल्कुल जैसे इंटरनेशनल मैच होते हैं वैसे ही मैच खेलें, और क्लोज मैचेस गए हैं, और इस तरह के क्लोज मैचेस, इस तरह का कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है। कुछ वेदर भी काफी कंफर्टेबल नहीं था, मतलब इतना हीट थी, देखो बच्चों के लिए वेदर की ऐसी कोई बात नहीं होती, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा किया। और मैं दोनों टीमों को ये कहूंगा कि इस तरह के वेदर पे इतना ज्यादा हार्ड कंपटीशन, ये इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा आगे ठीक रहेगा जी बिल्कुल है। और जो चार बच्चे निकल गए हैं तो ये अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रहेगी, और आगे इनका बड़ा अच्छा भविष्य है। आने वाले टाइम में ये देश के लिए खेलेंगे, और जिस तरह से इनकी एबिलिटी है ये शो करती है कि बड़े प्लेयर बने। ये था अलग अलग 10 सिटीज में पूरे इंडिया के मैचेस हुए थे, 821 स्कूलों ने हिस्सा लिया था, उसमें से 10 चैंपियन स्कूल का इंटरसिटी हुआ था। उसके बाद 24 बच्चे छाटे गए थे, उनका कैंप लगा था, उसमें से 15 बच्चे छाटे गए हैं, उन 15 बच्चों ने ये इस तरह का कंपटीशन लड़ा है। तो आप ये कह सकते हैं 12,600 बच्चों में से ये 15 बच्चे थे, और उनमें से इन बच्चों ने परफॉर्म किया। अच्छे हैं, तैयारियां अच्छी हैं, इस एज ग्रुप में दोनों ही अच्छे हैं, और दोनों ने बड़ा टफ कंपटीशन दिया। दोनों के दोनों बहुत क्लोज मैच गए, लास्ट ओवर में मैच फिनिश हुआ। थैंक यू सर। ओके।